क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी अर्निंग वेबसाइट बताएंगे जिसमें आप जितना काम करोगे उतने पैसे आपके आ जाएंगे। एंड अगर आपको विश्वास नहीं होता तो शुरू में बता देता हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर आप जो चीज़ जो स्किल मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ जो कि है वेबसाइट बिल्डिंग की स्किल, अगर आपको खुद की वेबसाइट बनानी आ जाती है तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको एक वेबसाइट बनाने का $1500 भी मिल रहा है, जो 1 लाख रुपये से ऊपर का अमाउंट है दोस्तों। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बना रहे हैं और कमा भी रहे हैं। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता होगा दोस्तों कि हम कैसे वेबसाइट बनाएंगे, हम तो कोई कोडर नहीं है, हमें तो कोडिंग भी नहीं आती है, हमने तो कंप्यूटर साइंस से कोई अपना ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, हम तो IIT से भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, तो कैसे हम वेबसाइट बनाएंगे। ये सारे मिथ होते हैं दोस्तों, ये सारे गलत धारणाएँ हैं जो लोगों के दिमाग में बैठी है। मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताता हूँ कि अगर आपको खुद की वेबसाइट बनानी है तो आपको कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप में से जो इस वीडियो को देख रहा है वो वेबसाइट बना सकता है, और ये जो साइट्स मैंने बताई है जो फ्रीलांसिंग साइट्स है इन पर काम पा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा और आपको काम कैसे मिलेगा, कौन कौन सी फ्रीलांसिंग साइट का आपको यूज़ करना है वो भी बताऊंगा। तो जो मेरा दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उनको दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी, और इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ ना दोस्तों कि जो 5वीं क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ ना लास्ट तक बने रहिएगा, राइट। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, तो जब आपके पास टाइम हो अच्छे से तभी इस वीडियो को देखना, पेन एंड पेपर ले लेना दोस्तों, ताकि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाओ, और ये जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट करके देखो जिससे आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि रिजल्ट उसी को मिलते हैं जो काम करके देखता है प्रैक्टिकल में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, इस तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है आज की डेट में। ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई से रिलेटेड वेबसाइट्स डिमांड है। शॉपिफाई अगर और ड्रॉप शिपिंग नहीं पता तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग की हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके चेक करिएगा आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको भी अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है जो नई आती है मार्केट में उनको रिक्वायरमेंट होती है, जो लोग लैंडिंग पेजेस बनाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कोई सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है उसको अपनी वेबसाइट बनानी है जहां पे वो अपने प्रोजेक्ट्स डाल सके, या जो प्रोजेक्ट सेल पर है उनकी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे दे सके, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो ब्लॉग बनाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि आज की डेट में अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है तो बहुत अच्छी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है और बहुत अच्छा काम भी आपको मिल सकता है। विदेशों में क्या होता है दोस्तों, सारे काम सारे लोग खुद नहीं करते, वो सारे काम को असाइन कर देते हैं। तो ज्यादातर कंपनीज वेबसाइट बनानी होती है उनको तो वो यहाँ पे किसी को हायर कर लेते हैं जो उनके लिए वेबसाइट बनाते हैं। तो ये सारे लोग जो दोस्तों वेबसाइट बनाते हैं वो फ्रीलांसिंग साइट पे मिल जाते हैं और काम भी लोगों को आसानी से मिल सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको बेसिक है जो जानना चाहिए। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब किसी वेबसाइट का एड्रेस। अगर आपको अमेजोन की साइट पर पहुँचना है तो आपको amazon.in लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आप अमेजोन की साइट पर पहुँचोगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर ये amazon.in लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसे ही हर वेबसाइट का अपना एड्रेस होता है, अगर आपको उस वेबसाइट पे पहुंचना है तो आप उसका एड्रेस टाइप करो, आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो इसी को दोस्तों डोमेन कहते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बिजनेस के लिए कोई डोमेन हो, आपकी भी वेबसाइट का अपना नाम हो, तो आपको डोमेन परचेस करना पड़ता है। कैसे परचेस करना होता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, राइट। इसके अलावा हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। होस्टिंग मतलब वो जगह जहां आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करोगे। देखिए जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें इमेज भी डालते हो, उसमें टेक्स्ट भी होते हो, उसमें वीडियो भी डाल सकते हो, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए स्पेस चाहिए होता है ना, मतलब स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है। जैसे आपके अगर मोबाइल फ़ोन में कोई गाना है तो उस गाने के लिए आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा, अगर वो आपके मोबाइल में आपके मेमोरी कार्ड वगैरह में होगा तो चल पाएगा, राइट। तो वैसे ही दोस्तों आपकी वेबसाइट को भी स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। आप कह लीजिए वो जगह जहां पे आपकी वेबसाइट बनेगी उसको भी हम होस्टिंग कहते हैं,
ठीक है, इसको भी परचेस करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर हमें विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनानी है तो हमें एक वेबसाइट बिल्डर की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों और आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। अब आप सोचोगे कि हम इन तीन चीज़ों को क्या अलग अलग वेबसाइट से ढूंढेंगे, मतलब हम डोमेन अलग से परचेस करेंगे, होस्टिंग अलग से परचेस करेंगे और वेबसाइट बिल्डर अलग से परचेस करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। होस्टिंगर एक साइट है दोस्तों, होस्टिंगर पर आपको वेबसाइट का डोमेन भी मिल जाएगा, होस्टिंग भी मिल जाएगी, साथ ही साथ वेबसाइट बिल्डर भी मिल जाएगा और इस एक साइट की मदद से आप अपनी वेबसाइट भी बना लोगे और उसको डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो। होस्टिंगर का फ़ायदा यह है कि जब आप इससे वेबसाइट बनाते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को थीम्स मिल जाती है जिसको सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है और एडिट करना है और आपकी वेबसाइट तैयार। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ई कॉमर्स साइट बनानी है तो यहाँ पे थीम्स है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ट्रैवल से रिलेटेड साइट बनानी है तो यहाँ पे थीम्स पड़ी है, आपको सिर्फ थीम सिलेक्ट करनी है, एडिट करना है, आपका काम हो गया और डायरेक्टली आप पब्लिश भी कर सकते हो। जो भी डोमेन लोगे, होस्टिंग लोगे, उसको कनेक्ट भी कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही ईजी तरीका हो गया आज की डेट में वेबसाइट बनाने का। तो मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ अब, मतलब बातें तो मैंने बहुत कर ली, थ्योरीज तो बहुत समझा दी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिकल करके आपको नहीं दिखाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दिखाता हूँ, राइट। बहुत अटेंटिवली वीडियो को सुनना दोस्तों, मुझे आपका पूरा फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो छोड़ दो उनको, क्योंकि अभी आप एक ऐसी स्किल सीख रहे हो जिससे आप कमाई कर सकते हो, राइट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लो क्या है कि हम थ्योरीज पे ध्यान देते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान नहीं देते जिससे अर्निंग हो सके। और ये मैं आपको अर्निंग स्किल सिखा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना, आपके घर पे बरकत होगी अगर आप इस चीज को सीखते हो, ठीक है जी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा देता हूं। तो आ चुके हैं दोस्तों हमारी गूगल स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे होस्टिंगर पे अपना अकाउंट बनाना है, क्योंकि होस्टिंगर पे आप लोगों को होस्टिंग, ईमेल, डोमेन, वेबसाइट बिल्डर जैसी फंक्शनैलिटी, सारी चीज़ें मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे 79 रुपीज़ पर मंथ पे भी प्लान शुरू हो जाते हैं, 159 पर मंथ में भी प्लान शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप 100 वेबसाइट बना सकते हो, 100 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, 25,000 से ज़्यादा मंथली विजिट होते हैं तो वो भी हैंडल कर लेता है, SSL भी आपको फ्री में मिल जाता है, ईमेल्स भी फ्री में मिल जाते हैं, डोमेन भी फ्री में मिल जाते हैं। तो आज की डेट में जैसे कि आप लोग देख सकते हो 160 रुपये पर मंथ में भी 100 वेबसाइट तक के आप यहाँ पे यू नो बना पाओगे। सो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्रीमियम वेब होस्टिंग का इनका प्लान ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारे पैकेज मिल रहे हैं और चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेगी। प्लान वैसे यहाँ पे 79 पर मंथ का भी है, बट उसमें आप एक ही वेबसाइट जो है बना पाओगे, यहाँ पे 100 वेबसाइट तक बन सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है दोस्तों। अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। मेरा दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं तो अभी आप लोगों को लॉगिन हो जाऊँगा, बट अगर जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे होस्टिंग प्लान चूज़ करना है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो। तो इस पे दोस्तों आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे तो ये जो आप कह सकते हैं कि प्रीमियम होस्टिंग है 159 पर मंथ, इसको आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे यू नो आप पेमेंट वगैरह करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट का जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती तो आप 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मिल जाती है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अकाउंट ज़रूर बनाइए, राइट, और अपना प्लान वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है। लॉगिन होने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बारी बारी सारी चीज़ें समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर होस्टिंग, ईमेल, डोमेन, सर्वर, वेबसाइट बिल्डर, सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे डोमेन परचेस करना है, तो डोमेन पे क्लिक करें दोस्तों। डोमेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड डोमेन नाम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है कि आपको कौन सी कंपनी के लिए डोमेन लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लेते हैं शिव पापड़ी वाला, ये बड़ा फेमस है हमारे एरिया में, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं इसके नाम पे सर्च कर लेता हूँ, shivpapdiwala.com। तो जैसे हमने ये शिव पापड़ी वाला लिखा, तो आप देख सकते हैं ये डोमेन अवेलेबल है, shivpapdiwala.com।
तो अगर कोई यहाँ पे शिव पापड़ी वाला देख रहा है तो वो इसको बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर एक डोमेन एक बार बाय हो गया तो उसके बाद वो वापस से आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी डोमेन ढूंढ सकते हो, आप जैसे देख सकते हो शिव पापड़ी वाला .com भी अवेलेबल है, इसके अलावा .live, .digital, .net। आप सोच रहे होंगे कि आपको कौन सा बाय करना चाहिए, .com वाला करना चाहिए या .online वाला करना चाहिए। देखिए, जो मैं रूल फॉलो करता हूँ वो ये करता हूँ कि अगर आप अपनी साइट बना रहे हो जो ग्लोबली जाने वाली है, मतलब आप चाहते हो कि जो विदेशी लोग हैं वो भी आपकी वेबसाइट पर आए, तो आप हमेशा .com जो है यहाँ पे चूज़ करें, क्योंकि .com एक इंटरनेशनल TLD है, तो ये आपकी हेल्प करता है आपकी साइट को इंटरनेशनली रैंक करने में। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के लिए बना रहे हैं तो आप .in चूज़ करें। अगर आप किसी और कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री का जो TLD होता है वो चूज़ करें। जैसे पाकिस्तान की बात करूँ तो जो पाकिस्तानी साइट्स होती है वो .pk वाली होती है, तो वैसे ही आप अपनी कंट्री का चूज़ कर लो। जैसे UAE की साइट है जो दुबई वगैरह है, तो UAE का TLD क्या होता है दोस्तों, आप सर्च कर सकते हो .ae। तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, बट ग्लोबल चाहिए, पूरी दुनिया में चले अलग अलग कंट्री के लोग हैं, तो .com सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव पापड़ी वाला .com अवेलेबल है। अगर हमको इस डोमेन को बाय करना है तो बाय नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमको 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, और ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने पेमेंट वगैरह करके यहाँ पे डोमेन को परचेस कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बाद में अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। डोमेन कैसे परचेस करना है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे डोमेन परचेसिंग का भी बिज़नेस होता है, हालांकि ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डोमेन को परचेस कर करके रखते हैं अलग अलग नामों से। जैसे मान लो शिव पापड़ी वाला .com किसी ने यहाँ पे परचेस करके रख लिया, उसने बेचा नहीं, रख लिया खाली। अब यहाँ पे मान लो कोई कंपनी उठती है, वो उसको ये डोमेन की ज़रूरत है शिव पापड़ी वाला, राइट। तो यहाँ पे वो इस डोमेन को खरीद सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि वो डोमेन तो कोई और बंदा ऑलरेडी खरीद चुका है शिव पापड़ी वाला, तो जिस बंदे को रिक्वायरमेंट होगी ओरिजिनली में, वो क्या करेगा, बिड करेगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो डोमेन बेच कर भी लोग लाखों रुपए कमा जाते हैं। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे भी वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये बात होगी दोस्तों डोमेन की, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। डोमेन कैसे बाय परचेस करना है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि होस्टिंग कैसे परचेस करनी है। तो होस्टिंग पे हमने क्लिक किया दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके की होस्टिंग आप लोगों को दिखा रहा होगा, शेयर्ड वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डोमेन्स, राइट। सो अगर आप अपनी शुरुआत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते आपकी साइट पे, तो आप शेयर्ड वेब होस्टिंग में अपनी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगा वो शेयर्ड होगा, राइट। और VPS और क्लाउड थोड़ी महंगी होती है, तो यहाँ पर आप अपने ट्रैफिक के हिसाब से होस्टिंग चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं तो आप क्लाउड होस्टिंग चूज करो, क्योंकि ये वेबसाइट ठप नहीं पड़ती जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके वेबसाइट पर नॉर्मल लोग आएंगे तो आप VPS होस्टिंग चूज कर सकते हो, राइट। ये भी आपको 285 पर मंथ में मिल जाती है। सो अभी क्योंकि नए वेबसाइट बना रहे हो तो आप यहाँ पे 79 पर मंथ वाला चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आपसे प्लान पूछेगा कि आपको 1 मंथ का चाहिए, 12 मंथ का चाहिए, 24 महीनों का चाहिए या 48 महीनों का चाहिए। वो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा महीनों का लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, और सिंगल में लोगे मतलब सिंगल शेयर्ड होस्टिंग लोगे तो यहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, तो यहाँ पे आप अपना इस तरीके से बाय कर सकते हो। बाइंग का प्रोसेस आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको होस्टिंग कैसे लेनी है वो समझ आ गया होगा। जो भी चीज़ आप परचेस करोगे वो आपको होम सेक्शन पे यहाँ पे दिखा देगा, राइट। जो SSL सर्टिफिकेट लोगे या फिर कोई डोमेन लोगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आपके होम सेक्शन पे दिखती रहेगी। तो ये तो बात होगी दोस्तों होस्टिंग और डोमेन की। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ वेबसाइट बिल्डर कैसे यूज़ करना है, कैसे विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनानी है। यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करना है वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। आपको गेट स्टार्टेड पे उसके बाद क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। जैसे ही माई अकाउंट पे क्लिक करोगे दोस्तों आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट बनेगी। मैं आप लोगों को बता दूँ जो ज़ायरो है वो होस्टिंगर का ही प्रोडक्ट है, तो आप ये सोच सकते हैं कि होस्टिंगर ने ज़ायरो का ये जो वेबसाइट है इसको बनाया है ताकि आप इस वेबसाइट के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सके। तो आप जैसे कि चेक कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को ऑलरेडी थीम्स वगैरह मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है, सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है। मतलब अगर आपको वेबसाइट का कलर चेंज करना है वो हो सकता है, वेबसाइट में नाम चेंज करना है, लोगो लगाना है, फंक्शनिंग बदलनी है, आप अपने हिसाब से बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट जो है बना सकते हो।
तो अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों तीन ऑप्शन आएंगे कि यहाँ पे आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है, बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं उनको आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे इनका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक वेबसाइट जनरेटर है, उसके थ्रू अपनी वेबसाइट बना सकते हो। या फिर अगर आपकी कहीं वेबसाइट बनी भी है, जैसे बहुत सारे और सॉफ्टवेयर भी है जहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप उस वेबसाइट को यहाँ पर भी इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्योंकि आप बिगिनर हो तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा आप टेम्पलेट यूज़ करके बनाएं। एक बार जब आप टेम्पलेट यूज़ करने में आपको आसानी हो जाए, उसके बाद आप AI जनरेटर से वेबसाइट बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो मैं आपको टेम्पलेट यूज़ करके वेबसाइट बनाना बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे चूज़ टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख लेंगे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि आपको अगर ई कॉमर्स साइट बनानी है तो ई कॉमर्स का यहाँ पे टेम्पलेट है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड टेम्पलेट्स होंगे वो आ जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मान लो आपको इस वेबसाइट को बनाना है तो स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। राइट, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसको आप अपने हिसाब से जो है एडिट कर सकते हो, इसका नाम चेंज करना चाहो नाम चेंज कर सकते हो। राइट, सो मैं अभी आप लोगों को ना एक वेबसाइट जो बना के दिखाऊंगा वो एक सर्विस से रिलेटेड है। राइट, तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके सर्विस वाली वेबसाइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि मान लो ये ट्रैवल साइट है। राइट, ट्रैवल साइट है, अगर आपको इस तरीके की साइट बनानी है, मतलब अगर आपको फ्रीलांसिंग साइट जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर हो गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन वेबसाइट के थ्रू आप काम पा सकते हो अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है। तो मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि भाई मुझे तो अपने बिजनेस के लिए एक ट्रैवल साइट बनानी है, तो कैसे बनाओगे? आपको यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ट्रैवल से रिलेटेड इनके ऑलरेडी थीम्स जो है अवेलेबल है, जिनको आपको सिर्फ एडिट करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे ये वेबसाइट है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो यहाँ पे वेबसाइट है वो आ गई है। अब यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से जो है एडिट कर सकते हैं। राइट है, सो एडिट कैसे होगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मान लो ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, इट्स टाइम टू विजिट बाली। अगर मान लो मैं यहाँ पे इट्स टाइम टू विजिट दुबई लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, विजिट बाली की जगह मुझे विजिट दुबई लिखना है, तो मैं सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं सिर्फ बाली की जगह आप देख सकते हो दुबई लिख दिया मैंने। इतना आसान है दोस्तों, आप देख रहे हैं कोई भी कोडिंग नहीं है। उसके बाद मुझे नीचे का टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दुबई ऑफर्स न्यू एडवेंचर्स टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दिया। अगर मान लो आपको इमेज ही चेंज करनी है, ये तो बाली के हिसाब से इमेज है ना, मुझे मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ऊपर देख सकते हैं चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं मैं चेंज बैकग्राउंड पे जाता हूँ। चेंज बैकग्राउंड पे जाने के बाद रिप्लेस इमेज वाले ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। आप चाहो तो अपनी खुद की कोई इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैं इसके अलावा फ्री इमेजेस के भी ऑप्शन है, तो मैं देखता हूँ दुबई सर्च करके यहाँ पे दुबई से रिलेटेड इमेजेस है या नहीं है। तो आप देख सकते हो दुबई से रिलेटेड इमेजेस आ चुकी है, मैं यहाँ पे किसी एक इमेज को जो है लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये इमेज हमने यहाँ पे चूज़ की है। अब ऐड टू पेज हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इमेज जो है चेंज हो चुकी है। और इस तरीके से देखिए आप कितना अलग लग रहा है, इट्स टाइम टू विजिट दुबई, अब ये लग रहा है कि भाई यहाँ दुबई के लिए हम साइट बना रहे हैं कोई। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी की भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर आप इन टेक्स्ट के कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इनके साइज़ बड़े छोटे करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी जो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये दूसरा पेज है लाइसेंस टू लिव। राइट, अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है मतलब यहाँ पे एक्सप्लोर बाली, अंडरस्टैंड बाली, रिलैक्स बाली, इनको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें, एडिट बटन पे क्लिक करें, एक्सप्लोर बाली की जगह कर दीजिए यहाँ पे दुबई। उसके बाद दोस्तों आप इस तरीके से जो है इस बटन को भी चेंज कर सकते हैं, एडिट बटन पे जाके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप है, मतलब मैं कहीं पे भी कोडिंग मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वेबसाइट जो है अपने आप से ही कर लेगी। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पेजेस बनाने हैं, दैट्स इट। दुबई लिख दिया मैंने। अगर मैं चाहूँ तो इसका इमेज चेंज करना चाहूँ मतलब इसका कलर, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट वो अभी मैं रहने देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों जितने भी पेजेस है वेबसाइट के आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। राइट,
और अगर आपको कोई और पेज ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, कोई इमेज है, कोई एलिमेंट है, गैलरी है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म है, मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया। अगर मुझे यहाँ पे ये लगाना है तो मैं ये भी लगा सकता हूँ, डिलीट करना है तो मैंने डिलीट कर दिया। इस तरीके से बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है दोस्तों जो आप होस्टिंगर की जो वेबसाइट बिल्डर है उसकी मदद से कर सकते हो। आप देख सकते हो ये वेबसाइट अगर कंप्यूटर में दिखेगी तो ये ऐसी दिखेगी, और अगर ये यहाँ पे हमें मोबाइल में देखना है तो ये ऐसी दिखेगी। सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने हो रही है। और अगर मुझे इसका प्रीव्यू लेना है तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे जाके आप देख सकता हूँ कि इस तरीके से वेबसाइट जो है दिखने वाली है मेरी, अगर मैं मोबाइल में देखता हूँ, अगर मैं कंप्यूटर में देखता हूँ तो इस तरीके से दिखेगी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। देखिए अगर मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊँ ना तो 5 घंटे भी कम है, बट मैं आपको बताना चाहता था कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और अगर आपको इस वेबसाइट को पब्लिश करना है तो पब्लिश के ऑप्शन पे जाके आप पब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे अपना डोमेन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो है आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपना अकाउंट बनाइए होस्टिंगर पे, यहाँ पे जो है अपने हिसाब से प्लान लीजिए। प्रीमियम वाला प्लान मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट बनाना यहाँ पे शुरू कर दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे, जो आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे होस्टिंगर पे बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ये तो बात थी कि दोस्तों वेबसाइट आज की डेट में बिना कोडिंग के कैसे बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि आपको काम कैसे मिलेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों फाइवर है, ये एक तरीके की फ्रीलांसिंग साइट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं। इसी तरीके की दोस्तों आप लोगों को अपवर्क भी मिल जाएगी, राइट। अपवर्क पे आप यहाँ पे ये बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप लोगों को काम मिलता है, अलग अलग तरीके के काम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेबसाइट बिल्डर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है वेबसाइट बना बना के भी उनके घर चल रहे हैं। यहाँ पे इतने काम की रिक्वायरमेंट है जो आप सोच नहीं सकते। आप देख सकते हैं ये अलीशा है, अलीशा ने वेबसाइट बना बना के $70,000 से ज़्यादा कमा लिए हैं। $85 पर आर ये चार्ज करती है वेबसाइट बनाने के। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप फाइवर हो या अपवर्क हो या फ्रीलांसर हो, इस तरीके की जितनी भी फ्रीलांसिंग साइट है ना उस पे अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। फाइवर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेक करिएगा फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है। इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फाइवर पे अकाउंट बना लेना, मतलब अकाउंट बनाना इतना आसान है कि आपको मेरा जो फाइवर वाला वीडियो है उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो पहले अपना अकाउंट बना लेना यहाँ पे, उसके बाद भले ही आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको प्रोफाइल कैसे बनाते हैं फाइवर पे वो सिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है दोस्तों फाइवर और अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग साइट पे, तो आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास ऑर्डर आने शुरू होंगे। अब इतना आसान नहीं है कि आपने आज यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया और कल पैसे आ गए, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे अकाउंट बना दीजिए, उसको यहाँ पे चेक करते रहिए, राइट, ताकि जब भी आपके पास ऑर्डर आए आप उसको डिलीवर कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि प्रवीण भाई हमने अकाउंट तो बना लिया बट हमारे प्रोजेक्ट नहीं आए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितना वेट किया, तो वो कहते हैं कि हमने 1 महीने पहले या 15 दिन पहले अकाउंट बनाया था, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं आए। देखिए दोस्तों कहने की बात यह है कि 15 दिन में काम किसी को भी नहीं मिलता। अगर आप एक नया बिजनेस भी शुरू करोगे ना तो तब भी आपको क्लाइंट मिलने में समय लगेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने आज बिजनेस शुरू किया कल आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, नहीं होगा ना ऐसा। उसी तरीके से दोस्तों कोई अगर जॉब भी ढूंढता है तो जरूरी थोड़ी है कि वो आज जॉब ढूंढने निकलेगा कल उसकी जॉब लग जाएगी, उसको थोड़ा यहाँ पे मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी ना। वैसे ही दोस्तों आपको इन फ्रीलांसिंग साइट पे थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश क्या करनी पड़ेगी कि आपको अपना प्रोफाइल अच्छे से अपडेट करना है, अपने बारे में सारी डिटेल में डालिए, अपने प्रोफाइल में कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहिए, जिससे फाइवर को लगेगा कि भाई आप यहाँ पे काम कर रहे हो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो, काम करते हो अपने प्रोफाइल में, तो फाइवर उसको रेकमेंड भी करता है लोगों को। और जैसे जैसे आपको यहाँ पे काम मिलना शुरू होता है ना तो आपकी रेटिंग अच्छी होती है, और आपकी एक बार रेटिंग अच्छी होनी शुरू हो जाती है तो आपको रेगुलर काम मिल सकता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया ना यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इंडिया से है ये लड़की, इसने यहाँ पे $20,000 से ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर लिया है। वैसे दोस्तों बहुत सारे इंडियंस हैं जो यहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे, तो आप क्यों नहीं कमाते, आप क्यों नहीं अपना अकाउंट बनाते। बिल्कुल बनाइए अपना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फाइवर का भी, अपवर्क का भी, साथ ही साथ होस्टिंगर का भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इतनी आसानी से आप अपनी खुद की वेबसाइट तैयार कर सकते हो।
यहाँ पे होस्टिंगर जैसी जब से ये सर्विसेज आई हैं, वेबसाइट आई है, तब से तो और ईजी हो गया। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना। बनाने के बाद खुद की वेबसाइट बनाना, सबसे पहले तो आपको कोई क्लाइंट मिलेगा नहीं, तो पहले खुद की वेबसाइट बनाओ, अलग अलग तरीके की वेबसाइट बना के देखो, 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, राइट। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ खुलेगा, आपको पता होगा कि कौन सी फंक्शनैलिटी कहाँ है, किसको कैसे यूज़ करना है। और एक बार 2-3 महीने आपने काम कर लिया इस वेबसाइट पे, होस्टिंगर पे, तो आपका हाथ साफ हो जाएगा और आप क्लाइंट्स के लिए भी और अच्छे तरीके से वेबसाइट बना पाओगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बाकी तो बता ही दिया कि फ्रीलांसिंग साइट में अपना अकाउंट कैसे बनाना होता है, राइट है जी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें, हार ना माने। इंटरनेट है तो सब कुछ पॉसिबल है, आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप गरीब घर से भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सीखना जारी रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।